हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ नमकीन पारे, जिसको बोलते हैं मटर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक कटोरी मैदा और इसके लिए मैं हाफ कटोरी लूँगी गेहूँ का आटा। ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 स्पून सूजी, ये भी ऑप्शनल ही है। आप मैदे की भी बना सकती हो नमकीन पारे, ये ऑप्शनली ऐड किया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, एक स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन, थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल पाउडर मिर्च एक स्पून और थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 स्पून ऑयल। ऑयल हमने इतना ऐड करना है कि ये थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा जुड़ जाए, जैसे मेरे हाथों में मैं ऐसे इसको इकट्ठा कर रही हूँ, मतलब ऐसे आटा हो जाए, इतना ऑयल ऐड करना है हमने इसमें। अब मैं इसको गूंदूंगी पानी के साथ। हम इसको ऐसे गूंदेंगे जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा इसको हार्ड बनाए, सख्त बनाएंगे। मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगी ऐसे गूंद के, क्योंकि पहले हार्ड गूंदा हुआ था, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे ताकि अच्छा सा अच्छे से आटा बन जाए। ये मैंने आटा गूंद लिया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी बनाएंगे लोइयां। ये मैंने इसकी 3 लोइयां बना दी है। अब हम इसको चपाती की तरह बेलेंगे, ऐसे ऐसे बेलना है इसको, ये नीचे नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमने ऑयल ऐड किया था। अब मैं इसको ऐसे चाकू से काट दूंगी, मतलब इसके पीस बना दूंगी ऐसे पतले पतले से और छोटे छोटे से। अब मैं इसको ऐसे निकाल के तलने को डाल दूंगी, फ्राई करने को डाल दूंगी। ये टूटेगी नहीं और ना ये फंसेगी क्योंकि इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है। अब मैं इसको तलने डाल दूंगी ऐसे ही। मैं इसको ऐड कर दिया है ऑयल में। अब हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और ऐसे इसको हम पकाएंगे। देख सकते हो आप, ये थोड़ी सी ब्राउन होने लग गई है। ये मेरे नमकीन पारे बन गए, पक गए। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। ये मेरे नमकीन पारे बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने क्रंची हो गए हैं। आप इसको 1 महीने तक किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो और इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।